जामिया बीबी सुल्तान लिलबनात बसखारी में जश्न विलादत फातिहा खैबर व नातिया मुशायरा मौलाना शाह सैयद अनीस अशरफ अशरफियुल जिलानी की अध्यक्षता तथा आमिर रजा मऊ के संचालन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ हाफिज अब्दुल हसन की तिलावत कुरान पाक से हुआ। इस अवसर पर मौलाना अजहरुल कादरी चतुर्वेदी बिहार ने बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि आज के दौर में हजरत अली की जीवन दर्शन प्रासंगिक है। उन्होंने अमन और शांति का पैगाम दिया और बता दिया कि इस्लाम कत्ल और घातकगिरी और आतंकवाद के पक्ष में नहीं है। जानबूझकर किसी का कत्ल करने पर इस्लाम में अंजाम मुकर्रर है। उन्होंने कहा कि इस्लाम तमाम मुसलमानों का मजहब है। अल्फाज और नारों से हटकर इंसाफ की सच्ची तस्वीर पेश की। सैयद अजीज अशरफ बसखारी ने कहा कि हजरत अली ने राष्ट्र प्रेम और समाज में बराबरी की पैरकारी की है। वो कहा करते थे कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम किया करो तो वो एक दिन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। उनका कहना है कि अत्याचार करने वाला उसमें सहायता करने वाला और अत्याचार से खुश होने वाला भी अत्याचारी है। मौलाना नबील अख्तर लखनवी ने कहा कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मैं इल्म का शहर तो अली उसके दरवाजे हैं। अली वो जात है जिसकी विलादत भी मौजीजा है और उसकी शहादत भी मौजीजा है। मौलाना मोहम्मद सिद्दीकी शारिक बसकारी ने कहा कि हजरत अली बड़ी खूबियों के मालिक थे। इस अवसर पर सैयद मसूदुल हसन सैयद जावेद अशरफ सैयद आसिफ अशरफ अब्दुल रहीम सैयद आले मुस्तफ़ा मोहम्मद अशरफ सैयद खलीक अशरफ जंग बहादुर खान आसिफ सिद्दीकी उमेर सिद्दीकी मौलाना रियाज अहमद कारी मोहम्मद अख्तर आदि लोग मौजूद थे।